हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लानर मशीन के जो ब्लेड रहते हैं वो डायमंड वाले ब्लेड जो रहते हैं उनको शार्प करने का सही तरीका क्या रहेगा, उसमें धार परफेक्ट तरीके से हम कैसे लगा पाएंगे और किस पे लगानी चाहिए, कौन सी सिली लेनी चाहिए, शार्पनिंग स्टोन कौन सा यूज़ हमें करना चाहिए। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, ख़ासतौर पर नए कारपेंटर भाइयों के लिए जो नया नया काम शुरू करते हैं। तो और उसके अलावा हम सीखेंगे कि प्लानर मशीन में जो ब्लेड्स की फिटिंग रहती है, एडजस्टमेंट वो कैसे करनी है। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ कि ब्लेड्स की एडजस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों, अगर प्लानर मशीन में ब्लेड्स की फ़िटिंग अच्छे से नहीं होती है तो आपका प्लानर मशीन जो रहेगा वो अच्छे से वर्किंग नहीं करेगा, वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा। तो बने रहे वीडियो में, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ आज। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आल पर सेलेक्ट कीजिए। इस चैनल पर आप वर्किंग से रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स और इजी ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए ये वाला जो ब्लेड है, डायमंड की पत्ती लगी होती है इसमें, ये देख पा रहे होंगे आप, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको शार्प करने का इजी तरीका मैं दिखाऊंगा। तो एक ब्लेड ये वाला रहता है सिंपल, ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो ब्लेड रहता है इसको इस वाली सिली पे इसको हम ये वाला शार्पिंग स्टोन लेके इसमें धार लगाते हैं, हम इजी आसानी से इस पे धार लग जाती है। तो ये जो हमारे पास डायमंड वाले ब्लेड्स हैं इसके लिए ये वाली सिली आती है, इस शार्पनिंग स्टोन, ये आपको बआसानी लोकल मार्केट में मिल जाए। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने ये सिली के आगे पत्ती लगा ली है ताकि ये मेरी सिली इधर उधर ना भागे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको फटाफट से शार्प करके, आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने ब्लेड्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ शार्प कर लिए हैं। ये देख पा रहे होंगे आप कितनी अच्छी धार हमारे ब्लेड्स में लग चुकी है। तो दोस्तों, अब इसमें ये जो ज़्यारा सा छिलका जैसा थोड़ा बहुत निकल के आता है, तो इसको बिल्कुल फिनिशिंग करने के लिए ये सिली आपने उल्टी साइड डालनी होगी। ये प्लास्टिक लगाया हुआ है उन्होंने इसमें, तो ये इसमें सफाई करने के काम आता है हमारा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से सफाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हमने अपने ब्लेड्स में धार लगा ली है। तो चलिए मिम्स ब्लेड को खोल लेते हैं, तो प्लानर मशीन में दिखाते हैं इजी तरीका और परफेक्ट फिटिंग। और जब ब्लेड लगाएंगे इसमें तो मैं दिखाऊंगा लास्ट में इसको रंदा मशीन को चला के कि इसमें वाइब्रेशन है या नहीं है। तो देखिए, आपने ये इसमें कुछ एडजस्ट करना है, इस तरह से बिल्कुल लूज़ रखना है आपने, स्क्रू है जो है ये बिल्कुल टाइट नहीं करने आपने, ये ऊपर नीचे रहना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर लगा लेते हैं ये कवर। तो इसमें नट लगा के, नट आपने बिल्कुल लूज़ रखने हैं, टाइट नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के टाइट, कि आपका ब्लेड ऊपर नीचे आना चाहिए। तो आपने करना क्या है कि ये एक स्केल लेके इसके साथ ऐसे आपने ब्लेड्स को टच कर देना है कुछ इस तरह से। आप ये स्केल की जगह कुछ फ्लाई का पीस भी ले सकते हैं ब्रीक वाला, तो एक लकड़ी का पीस ले लेना है आपने बिल्कुल सीधा। तो आपने पीछे प्लानर मशीन की जो बेस प्लेट है उसके साथ इस तरह से बिठा लेना है आपने ब्लेड पे, ब्लेड खुद ब खुद अपनी जगह पकड़ लेगा। तो ये स्केल निकाल के फिर आपने इसको स्क्रू टाइट करने हैं। तो चलिए, एक साइड हो गया, सेम प्रोसेस रहेगा दूसरी साइड भी, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ आपने लकड़ी का पीस ले लेना है। तो चलिए, मैं स्केल को वापस ले खींच लेता हूँ। तो नट को आपने कर लेना है टाइट। तो चलिए दोस्तों, हमारा प्लानर मशीन तैयार हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम लीड पावर बोर्ड में, तो दिखाएंगे आपको इसको चला के। तो ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक उंगली के नीचे मैंने रखा हुआ है फ्लैलर मशीन। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है इसमें, आपको साउंड से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए अब लकड़ी में हम रंदा लगा के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग है हमारे प्लानर मशीन में, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एक लेवल का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।